सो इस तरह से आप नाइट में चोटी करके सो सकती हूँ। ऑयल लगाने के बाद आप चोटी कर लीजिए, आपको सोने में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होगा एंड ऑयल भी इसमें रहेंगे, पेड पे नहीं लगेंगे। और डे में आप अपना बाल वॉश कर लें, अगर आपको ऑयल नहीं पसंद नहीं है तो ऐसे नाइट में तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं ऑयल से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल में संतीमा लाइफ स्टाइल। सो मैं आज एक और हेल्पफुल वीडियो लेके आ चुकी हूँ जो कि है हेयर ऑयल को हेयर सपा, मतलब कैसे अच्छे से मसाज करके लगाएं। हेयर ऑयल मतलब हेयर में ऑयल लगाना भी एक कला है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरे कहने का मतलब है अगर आप अच्छे से ऑयल को मसाज करेंगे तो इससे आपकी हेयर की ग्रोथ जो है वो बहुत ही जल्दी हो जाती है और बाल टूटते नहीं है। उससे बहुत सारे फायदे हो जाते हैं ऑयल लगाने का। अगर आपको ठीक है, अगर आपको ऑयल लगाना पसंद नहीं है तो आप डे में नहीं लगा रहे हैं तो आप नाइट में लगा के सो जाएं। आप देख सकते हैं अभी नाइट का टाइम है एंड देन मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ बिकॉज मैं नाइट में ऑयल लगाती हूँ। सो मैंने सोचा कि उन्हें आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए। सो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ हेयर को मैं कैसे करती हूँ एंड देन मेरे हेयर का ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी है एंड मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं। सो मैंने सोचा ये चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना बचपन का प्यार यानी कि अपने फर्स्ट ऑयल का यूज कर रही हूँ जो मैं बचपन से करती आई हूँ, वो है डाबर आंवला। ये बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होता है बालों के लिए आपके बाल। ट्रस्ट मी गाइस, मेरी मम्मी इसको यूज़ करती हैं, आज तक उनके बाल एक भी बाल पके हुए नहीं दिखते हैं। वही मेरी मम्मी की एज की जितनी भी आंटियाँ उनके बाल मैंने देखे हैं, वो कलर करती हैं अपने वाइट बाल को छिपाने के लिए। तो आंवला ये बहुत ही अच्छा होता है आपके बालों को वाइट नहीं होने देता है जल्दी। आंवला बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपको पता होना चाहिए। सो आप आंवला का यूज़ कर सकते हैं या आप कोई भी ऑयल जो आप यूज़ करते हैं आप कीजिए, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे ऑयल को लेके ऐसे हल्के हल्के पहले मसाज कर रही हूँ एंड आप कोई कभी भी ऑयल लगाएं तो आप ऐसे अपने सिर को नीचे कर लें, इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। हमारे हेयर के लिए, हमारे हेयर ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है ये चीज़ें। और इस तरह से आप ऑयल लगा के देखिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, डैंड्रफ वाली प्रॉब्लम है या बाल टूटने वाली है, कोई भी प्रॉब्लम आप इस तरह से ऑयल लगा के देखिए, वो ज़रूर कंट्रोल हो जाएगा। आप 7 डे में आपको ये फर्क, देन आप अपने बालों को 2 पार्टीशन में कर लीजिए एंड उसके बाद लगाइए अच्छे से दोनों तरफ, ऐसे जड़ों में अच्छे से आपके ऑयल लग जाएंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और अच्छे से हल्के हल्के मसाज करिए, नहीं जल्दी जल्दी नहीं करना है। मैंने वीडियो फास्ट किया है इसलिए आपको जल्दी लग रहा होगा, बट मैं बहुत आराम से करती हूँ और नाइट के टाइम में करती हूँ ज़्यादातर। उससे अच्छी नींद भी आ जाती है और हेयर का काम भी हो जाता है। सो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है और मैं इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय भी करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, म्यूज़िक लगा देती हूँ एंड देन अपने बालों को हल्के हल्के मसाज करती रहती हूँ, इससे और भी ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है। आप भी ये ट्राई करके देख सकते हैं, ऐसे बहुत अच्छा फील होता है।
नाइट में चोटी करके सो सकती हूँ। ऑयल लगाने के बाद आप चोटी कर लीजिए, आपको सोने में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होगा एंड ऑयल भी इसमें रहेंगे, पेड पे नहीं लगेंगे। और डे में आप अपना बाल वॉश कर लें, अगर आपको ऑयल पसंद नहीं है तो ऐसे नाइट में तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं ऑयल से, क्योंकि आप सो चुके होंगे। सो इस तरह से जरूर लगाएं, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।